Hi Kanika. Hi Kavar. Say hi to everyone. Hi. So this is one whiskey we have, okay? And we haven't really the most expensive whiskey we have. Okay. So Kanika, just FYI, this is never heard of this. Yeah. What whiskey is this? Is it a single malt? It's a cheapy whiskey. There's no single malt here today. Okay. Yeah, so then we have Antiquity Blue, the one I really wanted us to review today. Okay, let's do this then. Okay, and then we also have Teacher's Golden Thistle. Let's do that. That is Oaksmith Gold. Okay, never heard of this either. Decided maybe we'll do Antiquity, and I think Teacher's is a very personal drink, so I would rather do it when I'm alone. Okay. Sweet. So, जैसे कि आप देख रहे हैं, beautiful color guys. Antiquity का review होने वाला है. I think आपको Antiquity लेनी चाहिए just for the bottle. Antiquity Blue Ultra Premium Whiskey. Kanika, आप guess करिए हम कितने की लेके आई है? ये 1250. Good guess. ये हम लेके आए हैं गुड़गांव से, लेकिन okay. तो ये है 950 की. दिल्ली में इसका रेट शायद थोड़ा ज्यादा होगा. खैर, ये तो खाली इसका आउटर कवरिंग है. बहुत सुना है इसके बारे में. ब्लेंड ऑफ इम्पोर्टेड स्कॉच, इंडियन मॉल्स एंड फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स. जहां पे ये आ जाता है ना, इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स, मतलब थोड़ी पोलराइजिंग हो सकती है. बट ब्लेंड लिखा है उन्होंने. सो यू थिंक आई विल बी एबल टू हैव दिस? कनेका, यू आर अ ट्रूपर मैन. कनेका कैन. And guess what? I think we are similar in that aspect. I think हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. I've opened it. Yeah, good. Arey, why did you open it? We opened the cap, so there was no seal. There was no seal? Yeah. I wouldn't mean. खोला हुआ था. Like जैसे कट कट आवाज आती है. हाँ. वो नहीं आती. Okay. Yeah. So. But ये ऐसे लगा हुआ था ना? It was. And हमने दो बर्फ के ग्लास खोल दिए हैं. इसकी मैं नोजिंग भी कर लो कर दूं क्या? Okay. You think it'll be more relaxing? Yeah, I think so. Yeah, this is better. This is much better. Okay. And मेरा और दूसरा भी था एक. Really now? अब now I feel like proper. राजा हिंदुस्तानी. मुन्ना भैया from मिर्जापुर. तो यार ये ड्रिंक पहले मैं बना लेता हूँ, पर इसके बाद इसकी नोजिंग करते हैं. So smooth, काफी ये अच्छी तरीके से फ्लो हो रही है. And Kanika, you want with Coke or with water? And feel free to say Coke. I don't get, no one's gonna judge you. No, I'm gonna start with Coke first. तो Coke ले आइए अपने लिए. शुक्रिया. इतना काम करना पड़ता है. Black and white जैसी मुझे स्मेल आ रही है इसकी. Spirited smell है. इसमें वो बात है पोटैटो की भी हिंट मुझे वो आ रही है. Burnt, not charcoal, but burnt acidic smell है काफी spirited. पानी के लिए आज bisleri किनले का पानी लेते हैं हम, और ज्यादा नहीं डालेंगे. चकाने का तो अपने लिए कोक लेके आ रही है. थम्स अप. मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि कनिका जो करती है वही करे, ऐसे ना पिए. सो इसलिए मैं किसी तरीके से ये ले आया. यू नो बिकॉज़ आप इसलिए लोग होंगे जो को के साथ पीते हैं कभी कभी, कोई बुरी बात नहीं है. डू व्हाटएवर यू हैव टू इफ यू वांट अ मैन. इट्स अ बिग डील, राइट? नॉट बीइंग स्पॉटी, आई एम जस्ट बीइंग फेयर. ओके, तो दोबारा ड्रिंक आते हुए. ओके, मेरे ड्रिंक में तो 4-5 मिनट हो चुके हैं. कनिका के लिए मैं 100% रेकमेंड करूंगा. कोक आके ड्रिंक बना रही है कनिका, जरूर इसको भी आपको कम से कम 4-5 मिनट देना चाहिए. देखिए कितना ये एलआईटी लग रही है. तो 3-4 मिनट बैठिए, आप भी बैठिए. अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो चश्मदीद गवाह हो, कनिका ने ड्रिंक को सिर्फ 2.5 मिनट बैठने दिया है या 2 मिनट बैठने दिया है. कोक के साथ इतना चलता है? कोक के साथ इतना चलता है इनका मानना है. चीयर्स. इतनी खुश कभी नहीं देखा कनिका को. वेरी स्ट्रॉन्ग. यू डू वॉट यू गॉट डू. आई विल कैरी ऑन विद. कैसा लग रहा है आपको?
इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग. मैंने ड्रिंक ज्यादा मंगाया. नहीं मैं ज्यादा डाला नहीं, ज्यादा की बात नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट पर से. थोड़ा पानी डालना है जैस्पर जैसे. यू कैन बट इट्स अ नाइस स्टिफ ड्रिंक. आई वुडंट से आई कांट हैव इट बिकॉज आई एम लाइकिंग द स्ट्रॉन्ग टेक्सचर. It's spirited, na? And at the same time, it is not something that I'm used to having. You know? Something very, very different from what I have usually. अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसका सीजन इसका टेस्ट ऑल सीजन जैसा है. और कोई ज़्यादा बढ़ाव चढ़ाव मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा इसमें. बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रिंक है. हाँ, इट इज़ डेफिनेटली अ बिट ऑन द वार्मर साइड. व्हेन आई से वार्मर, व्हेन यू हैव इट यू फील अ बिट वार्म इन योर थ्रोट इमीडिएटली. इवन दो आई पुट सो मच ऑफ लाइक अ सब्सटेंशियल सम ऑफ आइस, मुझे लगता है ये काफ़ी थ्रोट पे थोड़ा बैठा हुआ है. स्पिरिटेड एसेंस ज़रूर है इसका, लेकिन फ्लेवर्स अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे. शायद क्योंकि कनिका आसपास बैठी हुई है और मैं इस पर ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज कनिका को कैसी लग रही है उस पर कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ. बाकी क्रीमी तो बिल्कुल नहीं है ये. कॉफी सा लग रहा है मुझे कुछ. कनेक्ट को कॉफी की फील आ रही है इसमें. लाइक कैफीन थॉट्स मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट. आई डोंट नो, कैफीन का मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंडस्ट्रियल ड्रिंक है ये. ऑर्गेनिक कम है, इंडस्ट्रियल ज्यादा है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कंपेयर करेंगे इसको ड्रिंक्स लाइक रॉयल स्टैग, ऑल सीजन, इंपीरियल ब्लू, all of those Blender's Pride, I think it is most similar to Blender's Pride. See, itna terms to mujhe nahi pata hai, technical terms I don't know. Arre ek second. Haan, ye ban gaya, Bapu Rai. Meri ab, anyways, yeah. So you were saying? But, ye mujhe lag raha hai, bando bhi zyada drink hai. It's very strong. Thori harsh hai, thori strong hai. Haan. Strong. Strong drink hai. एंड जैसे होते हैं ना पियक्कर लोग, थोड़े पियक्कर लोगों के लिए अच्छा है. तो और क्यों पीता बंदा? नहीं, जो रोज पीते हैं. Are you trying to talk about me right now? Are you getting the hint? तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा है. She's right. इसमें ना ये बाकी सब इतनी लाइट हो चुकी होती हैं. ये इतनी काफी पोलराइजिंग ड्रिंक है, इसमें कोई न्यूट्रल पहलू नहीं नजर आ रहा मुझे. वो सब टेक्सचर 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 सब उसको नहीं पता. मुझे बस इतना पता ये बहुत एज अ लेमैन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक. आई डोंट नो अबाउट द हाई येट बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग. पर एक बात बताइए, एक बात आपको बताना पड़ेगा हमें. क्या खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खली बली हो गया है दिल. क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? ये माइक है हमारा, बताइए. थोड़ा बहुत हो गया है जाम बना है. जाम बन गया यार. जाम बन गया. गली में आज जाम निकला. एनीवेज मैन, मैं तो सेकंड टाइम क्या चल रहा है इतना जल्दी? ऐसे होता है यार. गाइस, यू शुड प्लीज गाइड हिम. मैं बहुत ज्यादा जल्दी, ये गाइड नहीं करेंगे मुझे. कवर बहुत ज्यादा आजकल जल्दी पी रहे हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर हिम. I agree. Kanika, are you good? Actually, Kanika वैसे ही 10 घंटे लगाती है पहला ड्रिंक पीने में. Is that right or wrong? That's right. So, can you explain the logic to them who are new drinkers and the women? There are, I think 8% of our viewers are now women. So. See? Oh, that's great. I didn't know that. That's beautiful. So, guys, some advice from Kanika is forthcoming and due. कि अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट ड्रिंकर हो, आपको पहले ड्रिंक कितना समय में पीना चाहिए? तब तक मैं अपना सेकंड बनाता हूँ. देखिए, ऐसे मेरी तरफ से कोई गाइडेंस नहीं है, ये मैं स्लो ड्रिंक करती हूँ. कनिका लड़कियों को गाइड करती है कैसे पीए. जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही स्लो ड्रिंक करें. मैं उस मूड में आ रही होती हूँ. मैं एकदम से कवर की तरह गट 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 नहीं पी पाती हूँ. दैट इज नॉट एट ऑल इंसल्टिंग. आई एम वेरी स्लो ड्रिंकर एनीवे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम ड्रिंकिंग. बट हाँ, आई फील एकदम से आप पी रो यू गेट सुपर ड्रंक एकदम से. फर्स्ट ड्रिंक का जो हाई होता है इट्स इनकम्पेरेबल. एंड आपको लगता है यही है जो है दुनिया. नहीं कर
तो इसलिए मैं तो savored. No, it has to be a very slow drink. Yes, of course, has to be savored. But how do you, is that your recommendation to guys and girls, girls or just girls? Girls and guys both. Yeah. कि पहला drink धीरे से पियो. It applies to both. आराम से. May I? May I? Of course. Okay, this is the review for Kanika's drink with Diet Coke. It's a bit strong. क्योंकि वो it's a bit strong with Coke. Yeah, honestly it is. Like seriously, it is a strong drink. मैं भी पीता कहता lovely drink. पता है कैसे फील आ रही है इसके साथ? Blake label वाली. Blake label. Exactly my point. Black label वाली फील आ रही है ना? You're right about that. ये black label जैसी लग रही है. ऐसा लग रहा है black label पी रहे. सस्ती black label. But नहीं, जब आप first 2 to 3 sips लेंगे आपको black label बिल्कुल नहीं लगेगी. आपको लगेगा this is a cheap ass drink. हाँ, पहले एक sip में बिल्कुल सही है. It's a cheap ass drink. It's not a. जब आप 5th या 6th sip में आएंगे तब आपको आप डिफरेंस नहीं लगा पाएंगे कि ये बिलेक है कि क्या है. ब्लैक की लेकिन थोड़ा मीठा अंदाज भी है जो इसमें मिसिंग है. फ्रूटी अंदाज है वो. एक्चुअली ब्लैक का ना आप ऑन योर पैलेट रह जाती है. ये जो रह रही है ना ये थोड़ी फीकी रह रही है. वो पूरी रह जाती है आपके पैलेट पे. तो बिलेक मेरे ख्याल से गोज वेरी. कैसे रहती है बिलेक जो होती है ना वो बिलेक. तो या so yeah it's but it's a good drink. I think it's, having said that, agar aapko coke ke sath dena pasand hai, it's now growing on me and it's a raw drink, I would say. Yeah, it's a raw drink. Aur jaise maine kaha mujhe industrial bhi lag rahi hai. Industrial bole to lies water blend of imported scotch, Indian malts and finest Indian grain spirits. मुझे ज्यादातर इंडियन मॉल्ट और इंडियन ग्रेन का आ रहा है. इंपोर्टेड में शायद 5% आ रहा है. इतना सा थोड़ा सा 1% डाल दिया है. पर अच्छा काम किया है ओवरऑल. मैं नहीं कहूंगा एंटीबिटी मुझे बुरी लगी, पर जितना आप लोग बड़ा चला के कह रहे थे सर कायलो, अभी वो फील आएगी सेकंड ड्रिंक में. ये इससे मुझे अभी इन्होंने सर कायलो बोला तो मुझे याद आ गया एक वर्ड इसके लिए जो बिल्कुल इसको बेस्ट एप्टली डिस्क्राइब करता है. सरकारी ड्रिंक है. मतलब अगर आप किसी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं सरकारी व्यक्ति को एक सरकारी ड्रिंक है कि आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार सरकारी खाता है क्या है खर्चा पे खर्चा करे जा रहे हैं तो ये वैसी ड्रिंक है कि यार मतलब आज देख लो ले लो कोई बात नहीं तुम भी ले लो तुम भी देख लो यार पी लो कोई को यार कोई तो चैनल को देख लो हमारे कोई सॉरी आपने पीनी है एंटीबॉडी ये सही था आपने भी नहीं है. नमस्कार हम अगर आप अभी जागे हैं हेलो मैं हूं कंवर ये है कनिका. हम लोग रिव्यू कर रहे हैं एंटीक्विटी का. एंटीक्विटी अभी तक काफी दिलचस्प है. कुछ भी कहिए दिलचस्प निकली है इसमें बात है. फैसिनेटिंग है एक्चुअली. मतलब अगर आप कंसिडर करें कनिका अगर मैं आपको देखिए आप अगर जाते हैं माय बार आपको बोलेंगे कि ये शिव बस है. हाँ. डालेंगे क्या उसमें वो घासलेट डालेंगे एंटीक्विटी डालेंगे नहीं बिलेक बिलेक की जगह चला जाएगी. थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहिए शिवस बोल के वो आपको एंटीक्विटी. अच्छा आपको लगता है शिवस बेटर है ब्लैक से? आप तो ज्यादा ब्लैक लेवल टाइप बंदी है. बंदी हूँ मैं. बंदी नहीं क्या है? एक मिनट कट. But I like the fact that you're thinking Shivas is better than black. Black is a bit common, right? You find it everywhere. Shivas kabhi kabhi. Probably because you've had too much of black. हमें लगता है यार black तो black है अपनी आराम. But black label I would give almost full marks. Shivas also I would give almost full marks. And antiquity की बात करें तो इस price range में कहने का ये भी तो देखिए आप कि अगर मैं 2000 रुपए की गुड़गांव से लेके आता हूँ 2100 की लेके आता हूँ मैं बिलेक ये 950 की है कहने का. Next party में हम ये रखेंगे. हम रखेंगे और पहले हम क्या करेंगे हम पहले ब्लैक रख देंगे. हम ये सब कहते हैं लेकिन हम ऐसे कभी करते नहीं है. जैसी क्वार्टर खत्म होगी वो नीचे एंटीक्विटी ऊपर.
बार को तो कभी बुलाना चाहिए अगर आप घर पे पार्टी सेट है करेगा आप एक बात बताइए हम आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे Q&A टाइप वीडियो भी है आप बताइए कि क्या घर पे बार बुलाना चाहिए हाँ कि ना और कारण बताइए अपने आंसर देखिए ऐसा होता है अगर एक आपकी स्मॉल गैदरिंग है तो आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है आप यू सेल्फ मतलब अगर आपकी 10-12 के लोग गैदरिंग है तो यू कैन मैनेज कौन रखेगा अगर 30 पीपल है बट बार्टेंडर सही चुनना हाँ वो आपको चाहिए बट आप देखिए आप बहुत ज्यादा स्टॉक मत रखिए आजकल ना मैंने सुना है कि हमने ये गलती करी थी वी केप्ट अ लॉट ऑफ स्टॉक जब एक बॉटल खत्म हो जाए तब आप एक और ले आइए उसमें क्या हो गया 5 मिनट वेट करना पड़ेगा उनके सामने मत रखो स्टॉक वो फॉर ग्रांटेड ले गया अच्छा बाय द वे मेरा सेकंड ड्रिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपको क्या बोला था आराम से पीनी है आपने कहने का आप पीती है महीने में 2 या 3 बार अपन पीते हैं महीने में 24 या 26 बार नहीं कंपैरिजन नहीं है 30 दिन पीते हैं तो हमारा है यार थोड़ा हमारा है तो आप धीरे पीजिए आप आपकी ये ट्रेनिंग चल रही है एक सेकंड ये वीडियो का ये खत्म नमस्कार मैं ये कह रहा था ये सेकंड ड्रिंक मेरी खत्म हो चुकी है गाइस मेरी फर्स्ट भी अब तक खत्म नहीं हुई है यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी यू हैव टू होल्ड द यू कैन दे कैन टेक दैट पिक दे कैन टेक दैट पिक गाइस व्हाट डू यू पिक यू लाइक होल्डिंग द ड्रिंक और यू लाइक गल्पिंग डाउन बेबी ये लाइव नहीं है जिसमें आप पूछ रहे हैं बोले कि सर हमको तो ये पसंद है ऐसे नहीं होने वाला है ये अनलाइव है ये रिकॉर्डेड है मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई मेरी 2 ड्रिंक खत्म हो चुकी है लेकिन अब तक मुझे एंटीक्विटी काफी एवरेज लगी है देयर इज नथिंग बिग अबाउट इट नथिंग टू ग्रेट अबाउट इट आई कैन नेम ओवर 3 or 4 विस्कीज व्हिच आर बेटर देन दिस इन दिस प्राइस रेंज 950 रुपये में आप ऑल सीजन ले आइए उजाई दमदार है इंपीरियल भी उजाई दमदार है इससे मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रही यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही अब देखिए कंपनी भी अच्छी है हमारी बातें भी ठीक ठाक हो रही है लेकिन फिर भी मुझे अगर ड्रिंक पसंद नहीं आ रही तो कसूरदार ड्रिंक है भैया बट बॉटल तो बढ़िया है बॉटल उन्होंने कोशिश की है काफी चमकीली बॉटल पे कहने का आप देखिए देखिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कैमोफ्लेज करने की कि चलो अगर उन्होंने दे आर रियली बिल्डिंग अ ब्रांड टेस्ट नहीं तो फिर अपीयरेंस है एक बार ना मैं केयूर के साथ ड्रंक हो गया था और एंटीक्विटी पे हुआ था उधर मेरे को शौक नहीं था पीने का मैंने काफी पी ली थी मैंने 5-6 पी ली थी फॉर अ नॉन ड्रिंकर तो काफी मेरी वाट लगती थी पर सही में ये कसूरदार है ऐसे एक काम करे कुरकुरे निकाले Kanika, do you have a like target for them? A target of how many likes they should hit on this video? Oh yeah, 300. Oh my god, okay. And if they give 300 likes, then what videos are next together? Then we'll do blue label. Together, now there you have it, guys. 300 likes on this video, and you get what you heard, you get. कनक आला स्पॉन्सर कर देगी ना बेस्ट है हाई फाइव भी हो गया रिकॉर्ड भी हो गया I'm about to get my second ring, but I'm gonna wait. आप गैस करिए कितने ही आती है ब्लू लेबल ब्लू लेबल ये आई लाइक हाउ शी गॉट ब्लू लेबल आई डोंट नो 5000 8 12 ये क्या मतलब है कितने लीटर की बोल रहे हैं बंद हो गए एक लीटर की आती खाली टेम्परेचर आया होगा 15 grand या समवेयर लाइक दैट सो 14,500 क्या बट आपके हिसाब से नहीं पिएंगे ना हम ऐसे करेंगे रिव्यू करेंगे उसको हम 3 ड्रिंक देखिए एक बार जबान दे दी तो जबान दे दी तो रिव्यू करना है बॉटल फिनिश अच्छा नहीं एक सेकंड आप अपना ड्रिंक बनाइए आपका ड्रिंक खत्म हो चुका है और हमारे कैमरे का तापमान बहुत ज्यादा हो गया कैमरे का तो वो कह रहा है रुकिए भीखू मात्रे क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कभी बनाई नहीं भाई मेरे ख्याल से 1 घंटे की वीडियो होने वाली है चलेगा Q&A भी हो जाएगा ना कनिका के साथ एक तरीके का ये कनिका क्या सोचती है क्योंकि आप लोग काफी चिंतित हो जाते हैं मेरे बारे में इनको बना ली है दोबारा बाय द वे कोक के साथ इसका नशा अच्छा था बट मैं अपने 3rd drink में हूँ विदाउट एनी कोक एंड आई गॉट बी ऑनेस्ट सो फार एंटीक्विटी ब्लू इज अ 6/10 drink बुरा नहीं है ये ड्रिंक इसमें अगर हम देखें मात्रा किस मात्रा में अल्कोहल है तो बेबी कैन यू सी 40 है कि 47, 43 लिखा है 43 पे लिखा है इन लोगों ने 43% ड्रंक आदमी झूठ नहीं कहता
आप ये उतार क्यों देते हो? ऐसा लग रहा है कि हम मूवी देख रहे हैं। आप थोड़ी कॉन्शियस हो रही है। कौन सी आंखें? कि आप थोड़ी कॉन्शियस हो रही है। अंधाधुन। नहीं, अंधाधुन क्या फिल्म थी ना? आप ये उतार दो, तभी एक नीट नीट हो जाए। कब आऊं भाई? मेरा बच्चा है, आप मुझे उसको संभालना। तो बच्चा तो कब से है? ये लो, मैंने भी सकती अभी नहीं। आफ्टर 4-5 ड्रिंक्स आई कैन हैव। बेबी यू आर माय धर्म पत्नी। नहीं नहीं, मेरे को पीने का बहाना मिल जाएगा। या नहीं बेबी, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल क्या होता है? आप प्लीज थोड़ा सा इनको बताइए कि देखिए, मैं आज को आज जितने भी मेरे फैंस है, आज से आपका नाम सबका नाम है सूरमा भोपाली। तो अगर आप मेरे फैन हो, योर न्यू निकनेम इज नॉट कन्वॉरियर्स, इट्स सूरमा भोपाली। एक नया लेवल बनाएंगे उसके लिए। क्या है सूरमा? सूरमा भोपाली। अरे जावेद जाफरी के बाप की फिल्म थी, मजाक थोड़ी। हमारे पास चाचू थे, अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलेक लेवल का नहीं कर रहे। सो गाइस, आपको मतलब अच्छा पूछ नहीं सकते, लाइव नहीं चल रहा है। करेगा तो लाइव का यूज टू है। एक हमने इतना अच्छा प्यारा प्यारा सा रिव्यू रिकॉर्ड किया था उसके, इसका बीपी रिजर्व का, वो डालना है? हाँ डाल सकते हो। क्या क्या चैलेंजर है, आप समझ रहे हो? सेलिब्रिटी के वो आते हैं ना सेलिब्रिटी के पास डेट पूछने के लिए, डाल सकते हैं, तो डाल दिया है। तो यार एंटीक्विटी ठीक है, 800 की, 800 की एक सस्ता हो जा रहा है इसके लिए रेट, 950 की है मेम साहब, 1000 की है, चलो 1000 की है, बट सार आप किसी और चीज में डालिए, थोड़ी बेटर ड्रिंक खरीदिए। आप बताइए ना कौन से ड्रिंक में डालिए, कोई इनको वो भी तो दीजिए, मैं हेल्प करूं। हां, 4000 यू कैन प्रोबब्ली। कितने की आती है? 5000 तो 4000 3800 उनको। हां 3800 या कोई 1000 रुपए इसमें डाल दीजिए, अच्छी ड्रिंक लीजिए कोई। हम 1000 रुपए की बात कर रही है, मैडम कह रही है कि 4-5000 डाल दो गोल्ड लेवल पे। वाह 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 वाह, हवा का रुख करने का। तो फिर आप ग्लेन कितने की आती है? ये कैसे पूछती रहेगी, इसको कुछ नहीं पता, इसको कोई आइडिया नहीं है कि किस कितने की आती है ड्रिंक। खाली बियर का प्राइस पक्का पता होगा। ऐसा किंगफिशर अल्ट्रा कितने की आती है? पाइंट पाइंट 160। गुड गैस, चलेगा। अच्छा अच्छा, गिनीज का कैन कितने का आता है? 1-220। गुड गैस। सो कनिका को पता है कहीं ना कहीं, शी इन द विसिनिटी, 20% का मार्जिन में देता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, एंटीक्विटी का थर्ड ड्रिंक, चीयर्स कनिका। चीयर्स कवर। और आई थिंक ये खत्म करेंगे 15 मिनट। बेबी वीडियो कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं वीडियो से भी वो हो जाता हूँ, भावुक, मेरा घुलमुल हो जाता है इमोशंस को। Control. अरे ड्रिंक कर रहे हैं कि अभी पति बन रहे हैं? कंट्रोल करो। ये क्या कर रही है? टू फनी मैन। चीयर्स बोला है तो उतारना पड़ेगा, मूड खराब हो गया। चलिए गाइस, मैं जानता हूँ मेरी शक्ल काफी खराब है विदाउट सनग्लासेस, तो कोई बात नहीं। इतनी लाइट बाबूराव। पानी नहीं है, पानी तो कम धीरे पीता हूँ मैं। देखिए तीसरा ड्रिंक है मेरा, एंटीक्विटी में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोग शौकीन। हाँ, मेरा सजेशन, एक सजेशन प्लीज, आई लाइक दिस, आई थिंक यू गाइस शुड बाय मंकी शोल्डर। अबे हम इसका कर रहे हैं कहा मंकी शोल्डर, उसका भी रिव्यू करेंगे ना साथ में भिगू। एक काम करेंगे हम लोग, मंकी शोल्डर फॉर लास्ट टू यू 4000-4500 की। गुड़गांव में होगी 500 रुपए की। आप मेरी वीडियो में नहीं ले सकती, ऐसे अलाउड नहीं है। तो मंकी शोल्डर आई गेस लोगों को ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज अपना टेस्ट बढ़ाओ गाइस थोड़ा सा। अबे ये क्या, कई लोग कहते हैं इनमें से सर मंकी शोल्डर लेके आइए, तो सिंगल मोल्ड नहीं, ब्लेंडेड है, सॉरी ब्लेंडेड है। गाइस आई थिंक प्लीज आपकी सुनता नहीं है, मैं सुनूंगी आपकी। एंड अगर आप थोड़ा देखो फंड्स नहीं, तुम तो ऐसे बना रही है, सारे गरीब गरीब के जो होते यही भी देख रहे हैं। नहीं देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, इसको कहते हैं पब्लिसिटी। समझिए आप,
अगर आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं जैसे पता नहीं हर रोज आ रहे हैं, अपनी फैमिली समझनी है इनको, जैसे हम लोग 5,000 हर रोज आ रहे हैं, नहीं फैमिली समझो इनको। आप उनको बोलो कि हम रिव्यू करेंगे, आपकी चॉइस का करेंगे, बट फंडिंग भी आपने करनी है, सो दैट नहीं नहीं बेबी भीख नहीं मांगनी किसी से, इन लोगों से कुछ नहीं मांगना, इन लोगों से कुछ नहीं, थोड़ा भीख मांगने वाला हो गया अपना नहीं, वो कट करेंगे हम। मैं भीख तब मांगता हूँ बहुत ड्रंक हो जाता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ देखो अभी तुमको डोनेट करना है वरना बाहर निकलो यहाँ से, एडिट करेंगे मैं एडिट कर देता हूँ उसको, एडिट करेंगे कोई एडिट नहीं होगा, फूट टू जाएगा। फर्क इतना है कि मैं सोबर होके मांग लेती हूँ ये। ओके गाइस, व्हाट हाउ वाज योर दिवाली अगेन? सॉरी मैन, यू सो यूज्ड टू इट। चलो लास्ट इसका, इसको ड्रिंक को रिव्यू खत्म कर दो करने का। आप ड्रिंक बेसिकली आप एक सिप लीजिए, पहले पहले अच्छा सिप लीजिए, अच्छा खासा करेगा सिप लेंगे उसके बाद हमें बताएंगी। आई थिंक ये ड्रिंक जो है आपको अपने यारों के साथ पीनी चाहिए, कारोबार में पीनी चाहिए, और कारोबार मत करना मतलब घर के इलीगल चीज यार, ये लोग बोलेंगे ये और समझा रहे हैं। घर के बाहर आप गाड़ी में बैठ के पी सकते हैं, हाँ, अपने अपने ड्राइवे में पी सकते हैं, अपने डैडी के घर के बाहर बैठिए गाड़ी के अंदर, हाँ घर घर पे अंदर सबको लेके नहीं आ सकते, घर छोटा होता है नहीं तो बेसिकली ये अच्छी ड्रिंक है, अपने यार दोस्तों के साथ आप एवरी डे ड्रिंक है, ऐसे कोई बात नहीं है, इतनी गंदी भी नहीं है, बट इट्स अ गुड ड्रिंक, इट्स वेरी एवरेज, इट्स वेरी एवरेज, इट्स वेरी एवरी डे ड्रिंक, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट ग्रेट एज पर अस। बिफोर द वीडियो एंड्स आई एम गोना डू अ नीट, ये लो भाई तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ नीट, तुम लोग कहोगे कमर ऐसी कर रहा है, आप भी करेंगे नीट मेरे साथ? थैंक यू। चश्मदीद गवाह, दुनिया के सिपाही, कुदरत के खिलाड़ी, कश्मीर हमारा है। ये कैसे नीट थी? शॉर्ट हुई है, मैं सिपिंग है। ओके, नीट समझ आ रही है मुझे, नीट में कोई बात है, लेकिन सरप्राइजिंगली नीट का किकबैक नहीं है, इट्स नॉट बैड किक। ठीक है, टेक टेक वाल सिप। Not bad, right? Not bad. आप नीट पी सकते हैं। आप वैसे ड्रिंक बना के मत पीजिए, सुरमा मत करिए, आप पानी के साथ ही पीजिए। बेसिकली जब उन्होंने बनाई थी ड्रिंक, उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने ये सोचा था कि लोग आएंगे, टाइम नहीं होगा लोगों के पास, ये अरे बहुत फेमस ड्रिंक है कनिका, ये अपना मड आइलैंड, नहीं आइस लें, ग्लास लें, वो कहते हैं बोतली पकड़ो और कट कट सेट। अब देखिए थोड़ा ऑफिसर्स टाइप का ड्रिंक भी है ना एंटीक्विटी, आप जानते हैं ना ये ऑफिसर्स मेस टाइप ड्रिंक है ये एंटीक्विटी, मेस टाइप ड्रिंक, एग्जैक्टली दिस इज द ऑफिसर्स मेस टाइप ड्रिंक। अगर आप किसी कुएं में बंद है, कुएं नहीं किसी हॉस्टल सॉरी मेरा मतलब हॉस्टल में आप रहते हैं और आप हॉस्टल में अगर आप हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं, स्कूल के दिनों में पी रहे हैं, कभी मत करना। मैं तो कहता हूँ 25 से पहले किसी बंदे को नहीं पीनी चाहिए, या बंदी को नहीं, बंदियां पी सकती है 22 तक भी पी सकती है बंदियां, बंदों के लिए 25 ड्रिंक है। तो आई थिंक इट्स अ गुड ड्रिंक, अगर आप इसके शौकीन बन जाए तो आप, मेरे ख्याल से इसमें कहने का एक बात है, क्या यू कैन गेट एडिक्टेड टू दिस ड्रिंक? नो, मैं जानता हूँ कई लोग जो एडिक्टेड है टू एंटीक्विटी, यस इसकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोग पहली बार उनको समझ नहीं आती, दूसरी बार समझ नहीं आती, तीसरी बार प्यार हो जाता है, फिर हम करेंगे ट्राई, हम दोबारा ट्राई, हम ट्राई करेंगे, बट ओवरऑल मैं इसको, मैं झूठा होऊंगा अगर मैं इसको 6.5/10 से ज्यादा दूं। आप कितने देंगे 10 में से? I agree with you. No, 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 be honest. You don't have to be like nicer or worse. Let me take a sip. She'll take a sip. I'm on my fourth drink, man. It's a 5. It's a 5/10 for Kanika. So there you have it, guys. Today, two Convoyeurs have done a nice review. I hope it's a nice review for Antiquity. I hope you like this video. Like target, like Kanika said, is 300. Yeah. Agar 300 ka like target aayega, to kisi tarike se hum
मेरी आईफोन बेच के हम ब्लू लेबल की बाटली ले आएंगे एक, और अगर हम नहीं अफोर्ड कर पाए फिर भी तो एक ना यहाँ पे जैस्पर का पुराना आईफोन एडिट, कुछ एडिट नहीं होगा पुट सदारा दे चेस गाइस बाय नाउ बाय बाय पीस आउट